नमस्कार दोस्तों, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये न्यू एपिसोड है। और इस एपिसोड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है अमित कुमार पॉल जी, और उन्होंने पूछा है कि बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोगों के लिए आप कोई बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताइए जिससे उनकी मदद हो सके और बॉडी बन सके। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी दूंगा और होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं और हर दिन जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आपके शरीर में ऐसा क्या नहीं होना चाहिए जिससे जो आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उसमें आपको मदद मिले और बॉडी अच्छे से बन सके। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए शरीर में। अगर आपके अंदर कमज़ोरी है, थकान बहुत जल्दी आ जाती है, तो आप पुशअप नहीं कर पाएंगे, आप जो वर्कआउट कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, तो कमज़ोरी रहेगी तो बॉडी बिल्डिंग आपकी अच्छे से नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़ कि आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता, मतलब इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर है तो आप बार बार बीमार पड़ेंगे, जिसके कारण आप जिम भी नहीं जा पाएंगे अच्छे से, जिसके कारण आपने जितनी बॉडी बना ली है वो तुरंत बीमारी में पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी, और जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपको भूख अच्छी लगनी चाहिए, लॉस ऑफ एपेटाइट की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भूख नहीं लगेगी तो आप खाना नहीं खाएंगे, अगर खाना नहीं खाएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से ना प्रोटीन मिलेगा, ना मिनरल मिलेगा, ना कार्ब्स मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, और आप बॉडी बिल्डिंग करने के बावजूद भी आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी नींद। अगर आपको नींद सही समय पे आती है और प्रॉपर 8 घंटे की नींद आप लेते हैं तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और नींद अगर नहीं आए तो फिर आपको थकान लगेगी, भूख नहीं लगेगी, और आपका जो बॉडी बिल्डिंग का सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इन सब प्रॉब्लम्स के रहते आप बॉडी बिल्डिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी अच्छे से नहीं बन पाएगी। साथ ही साथ आपको बॉडी बिल्डिंग करने के लिए एक ऐसे सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कंप्लीट फूड सप्लीमेंट हो। तो दोस्तों, एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसा सप्लीमेंट है होम्योपैथी में जो आपकी सभी के सभी नीड, जो मैंने पहले बताया, वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, साथ ही साथ वो फूड सप्लीमेंट जैसा भी काम करेगा, और वो सप्लीमेंट है अल्फ़ा माल्ट। दोस्तों, अल्फ़ा माल्ट होम्योपैथी में बहुत ही इफ़ेक्टिव माल्ट है और बहुत सारे बॉडी बिल्डर भी इसे यूज़ करते हैं। आप जो प्रोटीन ले रहे हैं, जो एग खा रहे हैं, और जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके साथ अगर आप अल्फ़ा माल्ट लेते हैं तो आप बार बार बीमार नहीं पड़ते, आपको थकान नहीं लगती, आपको अच्छी भूख लगती है और अच्छी नींद लगती है, इसके कारण आप अच्छी बॉडी बना सकते हैं। दोस्तों, अल्फ़ा माल्ट में होम्योपैथिक मेडिसिन के अलावा जर्मिनेटेड बार्ले भी होता है, जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का और मिनरल का। दोस्तों, अल्फ़ा माल्ट में होम्योपैथिक मेडिसिन अल्फ़ा अल्फ़ा डली हुई है, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और इससे आपका वेट गेन होता है। साथ ही साथ ये आपकी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज़ करता है, और जो डेबिलिटी है, जो थकान है, उसको कम करता है। इसमें एवेनस अटाइवा डली हुई है, जो कि आपके पेट को सही रखती है, इससे वेट गेन होता है, इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, थकान को ये कम करता है, और नींद इसको लेने से अच्छी आती है। दोस्तों, इसमें चाइना ऑफिस एनालिस 2X भी डली हुई है, जो कि पेट के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इससे गैस एंड डाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक होती है, और अगर आपको एनीमिया है तो वो भी ठीक होता है। इसमें हाइड्रेस्टिस 2X में डली हुई है, जो कि पेट के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, डाइजेशन सही होगा। तो इसमें काली आर्स भी डली हुई है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, इसमें कैल्केरिया फॉस डली हुई है, ये कैल्शियम है, बॉडी बिल्डिंग करते समय बोन की मजबूती बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसमें काली फॉस भी डली हुई है, इससे नींद अच्छी आती है, एनजाइटी टेंशन वगैरह आपको नहीं होती। लास्ट में इसमें फेरम भी मिला हुआ है। दोस्तों, फेरम आयरन को बढ़ाता है आपके शरीर में, और हीमोग्लोबिन की अगर कमी है तो उसे ठीक करता है। इन सब मेडिसिन के साथ अल्फ़ा माल्ट बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब चलते हैं कैलोरीज की तरफ, कि अगर आप 100 ग्राम अल्फ़ा माल्ट लेते हैं तो कितनी कैलोरी आप ले रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सिर्फ अल्फ़ा माल्ट यूज़ करते हैं 100 ग्राम, तो लगभग 150 से लेकर 200 कैलोरी आपके शरीर के अंदर जा रही है, जो कि बॉडी बिल्डिंग करते समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा
ज़रूरी होती है दोस्तों। दोस्तों साथ ही साथ अल्फ़ा माल्ट आप सिर्फ अकेले नहीं लेते, आप इसे दूध में मिला के लेते हैं। तो दूध में जो चीज़ें हैं जैसे प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, कैल्शियम है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो भी आपको मिलता है और उसमें जितनी कैलोरी है उसको भी आप ऐड कर लीजिए। तो काफ़ी मात्रा में आप सुबह सुबह अगर एक गिलास दूध के साथ इसे मिला के पीते हैं तो आपके अंदर काफ़ी मात्रा में कैलोरीज भी जाती हैं, मिनरल्स भी जाते हैं, प्रोटीन भी जाता है, विटामिन भी जाता है। जब आप वर्कआउट करेंगे तो ये आपकी बॉडी बनाने में मदद करेगा दोस्तों। अब कैसे इसे यूज़ करना है, हालांकि मैं आपको बता ही चुका हूँ लेकिन फिर भी बता देता हूँ। आप एक गिलास गुनगुने दूध में लगभग एक बड़ा चम्मच अल्फ़ा माल्ट मिला लें। थोड़ा सा शक्कर भी मिला सकते हैं स्वाद अनुसार। अगर शक्कर नहीं मिलाना चाहें तो ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार सुबह पीना है और चाहें तो आप एक बार रात में पिए। सुबह रात में इसे कंटिन्यू करें। इससे धीरे धीरे लेने से जो मैंने आपको बताया है वो सब प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी। ये बहुत ही अच्छी आपके शरीर के अंदर कैलोरीज भी देगा, प्रोटीन भी देगा, मिनरल्स भी देगा, विटामिन्स भी देगा और कार्ब्स भी देगा, जिससे आपको बॉडी बिल्डिंग करने में मदद मिलेगी। दोस्तों ये माल्ट आप SBL का यूज़ करें, होम्योपैथिक शॉप या होम्योपैथिक क्लिनिक में आसानी से ये आपको मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दीजिए तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दीजिए तो उसको भी दबा दीजिए। इसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दीजिए, अपने फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।